जिला कांगड़ा के जसवां प्रागपुर विधानसभा के डाडा सिब्बा में हिमाचल प्रदेश श्रम एवं रोजगार विभाग द्वारा आयोजित रोजगार मेले के दौरान प्रदेश के उद्योग मंत्री विक्रम ठाकुर ने कहा कि सरकार प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में भी उद्योग लगाने के लिए निजी क्षेत्र की प्रतिष्ठित कंपनियों को आमंत्रित कर रही है और हिमाचल की सभी कंपनियों में 70% रोजगार हिमाचल के युवाओं को ही प्रदान किया जाएगा। इस मौके पर उद्योग मंत्री विक्रम ठाकुर ने कुछ कंपनियों में चयनित उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र भी दिए। जिला कांगड़ा के जसवां परागपुर विधानसभा क्षेत्र के डाडा सिब्बा रैली मैदान में हिमाचल प्रदेश श्रम एवं रोजगार विभाग द्वारा रोजगार मेले का आयोजन किया गया। इस मेले का हिमाचल प्रदेश उद्योग श्रम एवं रोजगार तथा तकनीकी शिक्षा मंत्री विक्रम ठाकुर ने शुभारम्भ किया। इस अवसर पर अपार जनसमूह को संबोधित करते हुए उद्योग मंत्री विक्रम ठाकुर ने कहा कि वर्तमान सरकार मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के नेतृत्व में बेरोजगार युवाओं को रोजगार से जोड़ने के मिशन पर कार्य कर रही है, जिसके चलते सरकार ने इस प्रकार के रोजगार मेलों के आयोजन का निर्णय लिया है ताकि युवाओं को घर द्वार पर रोजगार मिल सके। उन्होंने कहा कि सरकार प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में भी उद्योग लगाने के लिए निजी क्षेत्र की प्रतिष्ठित कंपनियों को आमंत्रित कर रही है और हिमाचल की सभी कंपनियों में 70% रोजगार हिमाचल के युवाओं को ही मिलेगा। उन्होंने युवाओं से कहा कि वे उमंग के साथ काम करने जाएं और साथ ही ईमानदारी और मेहनत के साथ कार्य करें। कि बच्चे 10 या 15 दिन वहां पे इंडस्ट्री के अंदर लगाते हैं और उसके बाद छोड़ देते हैं। बहुत से बच्चे टिके हैं वहां पे काम कर रहे हैं और मुझे ऐसा लगता है जिसको काम की जरूरत है वो वहां टिका है और जिसको अपने माता पिता की याद आती है या जिसको ऐसा लगता है कि घर में सारी चीजें उपलब्ध है, रामे ने रोटी मिला दिया, दाल मिला दिया, दही हो रहा तो चलो क्या जाना, ऐसा विषय छोड़ दे। हम यहाँ पर इस कमिटमेंट के साथ यहाँ आए कि हमें रोजगार मिला है, हम उस रोजगार को ईमानदारी के साथ करेंगे और मैं आपको इस बात का विश्वास दिलाता हूँ जो बच्चा एक डेढ़ साल तक कंपनी के अंदर टिकेगा उसके बहुत जल्दी पैसे भी बढ़ जाएंगे और ज्यादा पैसे उसको मिलने शुरू हो जाएंगे। लेकिन आप लोगों के मन के अंदर अगर सेवा करने का भाव है, आपके मन के अंदर अगर नौकरी करने का भाव है तो यहाँ पर नौकरी को तलाशने की बड़ी ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। सिटी चैनल के लिए ज्वालामुखी से पंकज शर्मा की रिपोर्ट।